हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका रीजनिंग का जो चैप्टर हमने शुरू किया है उसमें ब्लड रिलेशन हमारा चल रहा है, ब्लड रिलेशन पार्ट सी। ब्लड रिलेशन में हम दो टाइप के क्वेश्चन जो हम पुराने वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं, पहले दो टाइप हमने किए। सबसे पहले हमने कौन सा किया था कि समूह पर आधारित एक समूह दिया गया है उस पर बेस्ड क्वेश्चन। दूसरे कौन से थे? दूसरे थे परिचय पर आधारित कि ए ने बी की तरफ इशारा करते हुए कहा या ए ने एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या कहा वो बिल्कुल डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमा में बताया जाएगा आपको और उसको सरलीकरण करना है। समूह वाले जो है उससे पहले हमने तीर विधि का इस्तेमाल किया और पीढ़ी के बारे में आपको बताया कि एक पीढ़ी को एक सीढ़ी में रखना है और मेल फीमेल के लिए प्लस माइनस का इस्तेमाल करना है ये भी बताया, और का बराबर कौन जो है उसका भी इस्तेमाल करना है। अब तीसरे प्रकार के हमारे जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं कोडेड। कोडेड रक्त संबंध या कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन में क्या होगा कि आपको गणित के चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा। इसमें किसी किसी में समीकरण विधि भी इसको कहा जाता है कि समीकरण वाले ब्लड रिलेशन के प्रश्न। समीकरण वाले जो ब्लड रिलेशन के जो प्रश्न है वो कैसे प्रश्न है, देखिए प्रश्न आपको दिखाते हैं कि ये इस तरीके से आपको समीकरण आपको जानकारी दी हुई रहेगी कि ये जो आप देख रहे हैं कि ए प्लस बी का अर्थ है ये, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए भाग बी का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी कि जो गणित चिन्हों का प्रयोग हुआ है। और फिर नीचे आपको या तो एक समीकरण दिया जाएगा कि इस समीकरण में पहले और आखिरी का संबंध पूछा है, या आपको चार विकल्प में समीकरण दिए जाएंगे और उसमें आपको पूछा जाएगा कि कौन सा समीकरण जो है वो सिद्ध करता है। और संबंध हमेशा जो आपको समीकरण देगा, अब इसमें देखिए जो ए बी जो यहां दिया है, अब आपको जो प्रश्न पूछेगा उसमें जो समीकरण देगा उसमें ए और बी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उसमें जो अक्षर हैं, अक्षर नहीं कहेंगे उसको, उसको नाम कहेंगे कि उसमें नाम जो है वो दूसरे लिए जाएंगे कि वहां पर ई एफ जी एच कुछ भी ले लिया, लेकिन इनका नहीं देगा। कभी कभी क्या है कि जनरली कि ए प्लस बी का अर्थ है कि बी भाई है ए का, लेकिन यहां हम पहले शुरुआत जो कर रहे हैं उसमें ये ऐसा प्रश्न। अब इसमें बेसिक एक तो देखिए इसका बेसिक तरीका, अब कुछ हमारे साथी कहते हैं कि आप ट्रिक से पढ़िए, देखिए ट्रिक जो है उस पर पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए कि कभी कभी ट्रिक जो है वो काम नहीं आती है। आपको बेसिक तरीका, मूल तरीका क्या है इसका कि सबसे पहले तो चिन्हीकरण करना है। हमें चिन्हीकरण कैसे करना है कि ए प्लस बी का अर्थ, अभी हम बात करेंगे चिन्हीकरण की, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई, यानी कि प्लस जो है प्लस के पहले जो है वो कौन है, या यूं कह दें कि प्लस के बाईं तरफ या प्लस के पश्चिम दिशा में आप दिशा डायरेक्शन पढ़ते हैं, प्लस के पहले जो है वो कौन है, वो भाई। कौन है भाई यहां पर? चिन्हीकरण आपको करने की जरूरत नहीं होगी, चिन्हीकरण आपका थोड़ा अभ्यास हो जाएगा आप डायरेक्ट कर सकेंगे, लेकिन पहले प्रोसेस प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया यही है कि सबसे पहला काम चिन्हीकरण करना है। हम देखिए इसको थोड़ा सा ये छोटा हो रहा है, हम यहां सबसे पहले चिन्हीकरण करते हैं। ए प्लस बी का अर्थ है तो हमने देखा कि प्लस जो है प्लस के चिन्ह से पहले जो है वो कौन है, पहले का मतलब बाईं तरफ कौन है, जो भी नाम है वो भाई है। आपको यहां विकल्प भी दिखाएं, विकल्प में देखिए इसमें ए बी दिया है, ए और बी का इस्तेमाल किया है तो इनमें कहीं भी ए और बी नहीं आएगा, इनमें अलग दिखाया जाएगा। माइनस माइनस, अब ए प्लस बी, यदि ए प्लस बी जो है इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं तीर विधि में,
कि ए जो है वो भाई है, बी का अभी नहीं पता है। बी का कब पता चलेगा? जब बी के आगे वाला चिन्ह जो है वो हम देखेंगे। ए माइनस बी, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो माइनस से पहले या माइनस के बाईं तरफ जो भी नाम होगा वो क्या हो जाएगा? वो बहन हो जाएगा। ए गुणा बी, गुणा से पहले जो है ए बी की माँ है, ए गुणा बी, तो गुणा से पहले जो है वो कौन है? वो है माँ है। और ए भाग बी, यानी कि भाग से पहले जो है वो कौन है? पहले का मतलब कि बाईं तरफ आप, अब भाग के बाईं तरफ जो है वो कौन है? वो पिता है। सबसे पहला काम हो गया हमारा चिन्हीकरण। चिन्हीकरण ये काम आप कर लेंगे, ये आप मौखिक रूप से भी कर सकते हैं जब आपका थोड़ा अभ्यास हो जाएगा, लेकिन अभी जो बेसिक तरीका हमारे साथी सीख रहे हैं उनको पहला काम क्या करना है कि ये चिन्हीकरण कर लें। अब इसमें कभी कभी ऐसे लिख देता है ए, ए प्लस बी का अर्थ है कि बी भाई है ए का, तो उस समय हम क्या करेंगे कि ये जो भाई या बहन जो भी है ये बाईं दाहिनी तरफ ले जाए, लेकिन अभी हम जो क्वेश्चन में दिया है उसके अनुसार हम सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी ये लिख लिया, अब दूसरा ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में हम क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी में हमें ये पता चल गया, लिंक पता चल गया किसका? ए का, कि ए जो है वो बहन है। बेसिक तरीका हमारा जो है वो चल रहा है। देखिए बहुत आराम से देखना है, वीडियो को पॉज करके देखना है, जल्दबाजी नहीं करना है आपको। एक ही वीडियो में आपको ये कोड जो है ये आपको समझा देंगे। चिन्हीकरण हो गया, उसके बाद में हमें बनाना है उत्तर चित्र। बनाना है उत्तर चित्र क्या है? उत्तर चित्र ये है कि ये तो हमारा प्रश्न, फिर ये हमें पूछा गया, ये तो हमें जानकारी दी गई है कि यदि ऐसा होता है तो कौन सा समीकरण यह सिद्ध करता है कि आर एस की बुआ है? आर एस की बुआ है, बुआ कौन होती है? बुआ होती है पिता की बहन, यानी एक पीढ़ी ऊपर। आर एस की बुआ है, देखिए आर स्टार्टिंग में, सब में आर स्टार्टिंग में है और एस सब में लास्ट में है। ये आपके किस्मत की बात रहेगी कि ये कितना छोटा समीकरण बनाता है, कितना बड़ा बनाता है, इसमें समय लगता है, लेकिन इसका आपको ट्रिक भी बता देंगे कि उस ट्रिक से आप बिल्कुल, जिसको कहता है ना चुटकियों में हल करें, बिल्कुल चुटकियों में भी हल कर देंगे। लेकिन अभी हम बेसिक जो उत्तर चित्र बनाना, इसका उत्तर चित्र बनाना है कि आर एस की बुआ है, इसका चित्र कैसे बनेगा? तीर विधि से यदि इसका चित्र बनाए तो आर बुआ है, यानी कि ये पता चल गया कि आर महिला है, इसका कोई भाई है और उसका पुत्र है कौन? एस। ये आर और एस का उत्तर चित्र बन गया। इस उत्तर चित्र को हम थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं कि हमें फिर हटाना नहीं पड़े। कि आर कौन है? एक महिला है, उसका एक भाई है और उसका पुत्र है एस। अब ये एस जो है ये भतीजा है या भतीजी है ये नहीं पता है, इसका अभी पता नहीं चल रहा है, इसका लिंग निर्धारण नहीं हुआ है। सिंपल बेसिक तरीका जो है उस पर हम जा रहे हैं और हम सीजीएल नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हमारे जो साथी वर्दी पाना चाहते हैं, अपने घर परिवार की मदद करते हैं और पढ़ाई के लिए कहीं बाहर नहीं जा सकते, किसी ना किसी जुगाड़ में लगे रहते हैं कि मैं वर्दी हासिल कर, तो ये क्लास उनके लिए है कि जो सीजीएल सीजीएल के लेवल के नहीं हो रही है, ये क्लास हो रही है हमारे बेसिक लेवल के उन साथियों की जिनको ऐसे क्वेश्चन देख के डर लगता है। ये हमारा उत्तर चित्र बन गया कि हमें संबंध किसका बनाना है, ये आर और एस का संबंध हमें बनाना है। अब समीकरण जो होंगे वो शुरू होंगे। अब यहां पर आपको ये जानकारी देकर आपको इसमें तो क्या किया, क्वेश्चन आपको बना दिया कि आर एस की बुआ है, किस समीकरण में पूछा जा रहा है, आपको समीकरण दिया जा सकता है कि ये ए जो विकल्प है ये ऐसा कैसा दे दिया आपको समीकरण में कि इसमें बताइए कि आर का एस से क्या संबंध है, ये भी पूछा जा सकता है। बी समीकरण दिया जा सकता है, यानी जानकारी देकर समीकरण दिए जा सकते हैं, समीकरण देकर कोई जानकारी दी जा सकती है।
उत्तर चित्र बन गया। अब विकल्प जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं इनसे हमें उत्तर खोजना है। मैंने आपको तीसरा प्रोसेस क्या बताया था कि उत्तर चित्र भी हमारा बन गया, अब विकल्प से उत्तर खोजना। अब विकल्प पर चलते हैं अपन कि हमें विकल्प से उत्तर कैसे खोजना है। विकल्प से उत्तर खोजना क्या करना है हमें कि ये देखिए R+N इसको यहीं इसको घेरे में बंद कर दीजिए। R प्लस एन का मतलब क्या है कि प्लस से पहले जो है वो क्या है, भाई है, यानी कि R भाई है N। अब एक चैन सिस्टम चलेगा, जैसे जंजीर होती है वो जंजीर बनती चली जाएगी कि n और k का देखना है तो माइनस से पहले क्या है, बहन है, तो इसका मतलब ये क्या n क्या है, बहन है, और उसी पीढ़ी में चलेगा किसकी है, k की। k का नहीं पता है कि k कौन है, और आगे हम बढ़ेंगे k और s का, तो भाग से पहले k है, भाग से पहले k है, तो इसका मतलब k क्या है, पिता है तो प्लस है किसका, एस का। लेकिन एस का पता नहीं चला है कि एस पुरुष है या महिला है। ये बात आपको समझ आ गई। तो यहां ये जो है ये तो हमें पूछा क्या कि कौन सा समीकरण सिद्ध करता है कि आर एस की बुआ है, तो ये समीकरण तो सिद्ध नहीं करता क्योंकि यहां पर एस जो है वो के, कि यहां ये पूछता है कि कौन सा समीकरण सिद्ध करता है कि एन एस की बुआ है, लेकिन वो n जो है वो बीच वाला नहीं आता, n उस समय आपको यहां स्टार्टिंग में दे। तो r और s का जो संबंध इस पहले समीकरण से बना उत्तर से, वो क्या बना कि यहां पर r जो है वो चाचा है। यदि आपको ये समीकरण दे दिया जाता, समीकरण a प्रश्न में दे दिया जाता और ये पूछा जाता कि r का s से क्या संबंध है, तो आप क्या बताते कि r जो है वो s का चाचा है। ये ऊपर वाली जानकारी से ये चिन्हीकरण हो गया। और डायग्राम जो है वो हम तब बनाते हैं जब हमें यहां स्टार्टिंग में क्या पूछा, उत्तर चित्र, आंसर डायग्राम। तो पहला जो है ये तो हमारा कट हो गया, ये तो नहीं हो सकता, हमें तो पूछा जा रहा है कि बुआ है। दूसरे वाले पर जाते हैं, दूसरा विकल्प जो है उसको खोजने की कोशिश करते हैं, उत्तर से विकल्प खोजना। R भाग S, चलो यहां लिख देता हूं कि R भाग N, इसको घेरे में बंद कर लिया। R भाग से पहले कौन है, पिता है, यानी कि इसको हम क्या लिख देंगे, ये पिता है, N जो है वो पुत्र या पुत्री हो सकता है। आगे इसके आगे क्या कहा, इसके आगे कहा कि N भाग S, यानी N भी क्या है, भाग से पहले क्या है, पिता है, तो भाग से पहले पिता है तो n भी पिता है। यहां पर r और s का क्या संबंध बना कि r जो है वो s का दादा है, s पोता है या पोती है ये सिद्ध नहीं हुआ है, तो इसको भी क्या कर दिया जाएगा, यहां कट कर दिया जाएगा, इसको भी कट कर दिया। अब तीसरा समीकरण जो है उस पर जाते हैं हम कि जो तीसरा हमारा विकल्प है वो कौन सा है। a और b तो हमारे कट हो गए, C को हम चेक करते हैं तो R प्लस N का मतलब क्या है कि R जो है वो प्लस से पहले जो है वो कौन है, R प्लस N, प्लस जो है वो भाई है, तो ये N का भाई है। N गुणा S इसको हमने घेर लिया, R प्लस N इसको घेर लिया, तो ये करते हैं R प्लस N। मैं लिख देता हूं इधर आपके लिए कि R प्लस N गुणा S। देखिए दो विकल्प हमने कैसे कट किए, ये बेसिक तरीका आपको समझ आ गया है। वीडियो को पॉज कर लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जल्दी नहीं है हमें। R प्लस N, R भाई है किसका, N का, और N गुणा S, गुणा का मतलब क्या है, गुणा से पहले जो है वो माँ है, यानी कि ये माइनस है किसके, एस की, तो इसमें एस और आर का क्या संबंध बना कि आर जो है वो मामा है एस का। यदि ये विकल्प देकर आपको पूछता
कि यहां पर आर एस का मामा है, कौन सा विकल्प सिद्ध कर रहा है, तो यहां हम विकल्प से उत्तर खोज लेते हैं, लेकिन हमें तो बुआ खोजना है, तो ये भी अब तीन विकल्प यदि कट हो गए तो चौथा बचा वो हमारा उत्तर हो गया, लेकिन उसको भी हम बनाते हैं, उसको भी यहां बनाकर देखते हैं। इसको भी बनाते हैं R माइनस एन, R माइनस एन और भाग है उसके बाद में भाग S, R माइनस एन। माइनस का मतलब क्या है, बहन है, माइनस से पहले जो है वो कौन है, वो बहन है, तो यहां ये बन गया कि R बहन है किसकी, N की, ये कवर कर दिया इसको। अब जंजीर विधि सिस्टम चल रहा है, चैन बन रही है, एन भाग से पहले जो है वो कौन है, पिता है किसका, एस का, हमें यही पूछा था कि कौन सा समीकरण ये बता रहा है कि आर जो है वो एस की बुआ है, तो ये बात जो है आपको समझ आ गई कि ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब ये तो देखिए था बेसिक तरीका और बहुत लंबा हो गया, कुछ हमारे साथी जिनको ये आता है पहले से ऑलरेडी जिनको समझा हुआ है उनके लिए ये काम क्या है कि थोड़ा बड़ा, लेकिन यहां मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं, शॉर्टकट मेथड बताता हूं इसका कि इसमें हम शॉर्टकट कैसे जा सकते हैं। ये चिन्हीकरण जो है, चिन्हीकरण तो आप मौखिक रूप से ही कर लेंगे, यानी अपने दिमाग में चिन्हीकरण कर लेना है, अपने दिमाग में चिन्हीकरण कर लेना है। अब एक जो ट्रिक है इसका, जो ट्रिक है वो ट्रिक है मेल फीमेल ट्रिक, मेल फीमेल ट्रिक। मेल फीमेल ट्रिक क्या है, मेल फीमेल, मेल फीमेल ट्रिक है कि हमें क्या पूछा गया, पहली ट्रिक मेल फीमेल ट्रिक, दूसरी ट्रिक भी बताएंगे। मेल फीमेल, हमें कहा है कि आर एस की बुआ है, तो आप डायग्राम बनाएंगे, यानी कि आर जो है वो महिला है, किसी उसका कोई भाई है और उसका कोई पुत्र या पुत्री जो है उससे संबंध बनाना है, यानी कि जो हमारे डायग्राम जो बने हुए हैं, जो विकल्प बने हुए हैं, उनमें से हम यदि ये खोज दें कि कौन से में आर जो है वो मेल हो रहा है, हमें तो आर जो है वो महिला चाहिए, बुआ क्या है, पिता की बहन है, बुआ जो है वो पिता की बहन है। अब R प्लस N, पहला विकल्प देखा R प्लस N, तो प्लस से पहले R है, प्लस से पहले R है, तो प्लस हमने पीछे बनाया था कि प्लस से पहले भाई, माइनस से पहले बहन और गुणा से पहले माँ और भाग से पहले यदि है तो वो पिता है, ये हमने बनाया था चित्र। तो R जो है वो यहां पर क्या हो रहा है, प्लस आर प्लस एन, पहला विकल्प हमने देखते ही ये हमने सिद्ध कर दिया कि इसमें आर जो है वो मेल है, फीमेल नहीं है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता, हमें बुआ यानी कि महिला चाहिए, आर जो है वो हमें महिला चाहिए। दूसरे में आर जो है वो भाग, भाग से पहले कौन है, पिता है, भाग से पहले पिता है, तो ये जो है ये भी हमारा नहीं हो सकता क्योंकि R पिता है N का, जबकि हमें R क्या चाहिए, महिला चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। और R जो है वो N, R N, फिर प्लस आ गया तो भाई है, ये भी नहीं हो सकता, इसमें तो महिला जो है वो एक ही विकल्प में महिला, R जो है वो महिला बनती है, R माइनस N में, यानी माइनस से पहले क्या है, बहन है, तो ये है हमारा शॉर्टकट तरीका मेल फीमेल ट्रिक। यानी हमें हमें प्रश्न देखना है पहले कि यहां पूछा जाता है कि आर एस का मामा है, आर एस का मामा है, तो ये हो सकता है यहां पर ट्रिक देखने के लिए। अब मामा है तो क्या होगा, दूसरी ट्रिक हमारी होती है पीढ़ी, पीढ़ी, प्रश्न क्या पूछा कि आर एस की बुआ है, तो पीढ़ी देखेंगे कि आर एस की बुआ है, यानी कि आर उसका कोई भाई और फिर उससे नीचे एस, यानी एस और आर जो है वो उनमें एक पीढ़ी का अंतर है, और
आर जो है वो एक पीढ़ी ऊपर है। अब किसी विकल्प में हमें देखने से प्रथम दृष्टिया ये पता चल रहा है कि वो समान पीढ़ी में आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो उत्तर हमारा नहीं हो सकता। आर कहीं पीढ़ी में ऊपर जा रहा है वो हमारा उत्तर नहीं हो सकता, कि जैसे हम देखें या दोनों, जैसे देखिए विकल्प सी जो है वो कि आर प्लस एन, अब आर प्लस एन ये चिन्हीकरण करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना चिन्हीकरण के हम यही आपको सॉल्व करवा देंगे कि आर प्लस एन, तो आर प्लस एन, आर प्लस एन प्लस से पहले क्या है, भाई है। अब पीढ़ी देख रहे हैं हम मेल फीमेल ट्रिक नहीं, हम पीढ़ी वाली बात कर रहे हैं कि आर जो है वो क्या है, प्लस से पहले का मतलब क्या है, भाई, ये भाई है एन। और दूसरा है गुना, गुना यानी कि गुना का गुना से पहले क्या है, मा, ये माइनस है। यानी पीढ़ी में तो वो नीचे जा रहा है एस, पीढ़ी में तो नीचे जा रहा है लेकिन वो मामा है। बी विकल्प जो है वो देखें हम, यदि बी विकल्प में देखें, देखिए पीढ़ी वाला तरीका, पीढ़ी में क्या है आपको समझने वाली बात क्या है कि आर जो है वो एस से एक पीढ़ी ऊपर रहे। अप्रत्यक्ष रिश्ता, अप्रत्यक्ष तीर, यानी बुआ और भतीजा भतीजी का प्रत्यक्ष रिश्ता नहीं है, इस तरीके से हम नहीं लिख सकते उनको। यदि इस तरीके से लिखेंगे तो ये तो पिता पुत्र, पिता पुत्री या माता पुत्र, अब इसका यदि पता चल जाए कि ये माइनस है, यानी अप्रत्यक्ष रिश्ता बराबर अप्रत्यक्ष तीर, यानी आर जो है उसका कोई भाई है और उसका पुत्र या पुत्री जो है वो एस है। पीढ़ी देखिए बी विकल्प जो है उसको हम देख सकते हैं कि आर भाग, भाग से पहले क्या है, पिता, अब भाग से पहले पिता एन और फिर एन भाग एस, तो एक पीढ़ी आर और एस जो है वो एक पीढ़ी होना चाहिए था, ये दो पीढ़ी हो गया, तो इसको हम पीढ़ी के तरीके से, यानी पीढ़ी से कैसे हम जल्दी कर सकते हैं, चुटकियों में हल कर सकते हैं, वो तरीका मैंने आपको बताया। तो मैं आशा करता हूं कि ये तरीका आपको समझ आया होगा और दूसरे भी इसके क्वेश्चंस हम लेंगे, इसके क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस आपको देंगे, आप खुद भी इसकी प्रैक्टिस करके देखिए। अपने आप से नहीं समझ आता है तो हमें शेयर कीजिए कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया, हम बिल्कुल उसको क्लास में शामिल करेंगे और क्लास जो है आपकी मॉर्निंग 8 बजे होती है, वो क्लास आपकी जो है वो कंटिन्यू रहेगी। और यदि अब देखिए मुझे याद आ गया, मुझे एक्चुअली याद नहीं रहता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, तो अब मुझे याद आ गया तो मैं बता देता हूं कि यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कोई आपके सुझाव हैं वो भी दीजिए ताकि हम और बेहतरीन वीडियोज आपके लिए बनाकर ला सकें। जय हिंद।